सैम तुम्हें नौकरानी चाहिए थी ना, मैं ले आई। सैम मेरे पापा ने ना मेरी शादी कहीं और तय कर दिया। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, पर मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया था और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे अरे तू कहाँ बैठ रही है? तू भूल गई तू नौकरानी अपनी औकात मत समझी, तू नहीं बैठ सकती यहाँ पे। अरे सोनाली क्या हुआ, बैठने दो ना उसको, बैठ जाओ। तुझे समझ नहीं आता, वो तो घर का मालिक है, वो तो बोलेगा। घर का सारा काम कर लेती है, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, और तुझे पता है टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तुझे डेमो दिखाऊं? ओ सुन हमारे लिए चाय बना कर लाना। जी। सामान कहाँ रखा है? सामान कहाँ रखा है? किचन में फर्शों में चीनी और चाय पत्ती रखी है और फ्रिज में दूध रखा है। और हाँ अच्छे से बना कर लाना। ये कहाँ मिली तुझे? ये गुप्ता जी है ना, वही काम करती है, और मुझे भी नौकरानी की जरूरत थी और तूने भी बोला हुआ था कि तुझे भी नौकरानी चाहिए, तो बस ले आई मैं इसे यहाँ। ये रहती कहाँ है? ये पास वाली झुग्गी झोपड़ी है ना, वही रहती है। लेकिन पता है इसकी किस्मत बहुत खराब है। क्यों क्या हुआ? गुप्ता जी बता रहे थे अभी पिछले साल ना इसका पति ट्रक के नीचे आ गया था, मर गया बेचारा। और कुछ साल पहले इसके सास ससुर भी चले गए, कोई भी नहीं है इसका, बस लोगों के घर में काम करती है और ऐसे ही अपना जीवन गुजार रही है। वैसे काम वाम तो ठीक ही कर लेती है ये, लेकिन इसे ना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इन काम वालों का ना कुछ भरोसा नहीं होता, पूरा घर साफ करके चली रहेंगी, और वैसे भी तू अकेले रहता है तो थोड़ा ध्यान रखना। अपने लिए चाय किससे पूछकर बनाई है? मैंने बोला था हम दोनों के लिए चाय बनानी है। वो क्या कर रही है, औकात भूल जाती है क्या तू अपनी? मतलब जिस कप में हम चाय पियेंगे उस कप में तू चाय पिएगी? तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी सोफे पे बैठ रही थी अब अपने लिए चाय बना कर ले आई। देख नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह, समझी? गलती हो गई मैम साहब। क्या गलती हो गई? अभी तो सोफे पे बैठ रही थी, खुद के लिए चाय बना कर ले आई, कल को घर लूट कर ले जाएगी और बोलेगी गलती हो गई। देख तू ना अपनी औकात मत भूल, नौकरानी है नौकरानी की तरह रह। सोनाली बस, ये तुम्हारे यहाँ पर काम करती है, तुमने इसको खरीद नहीं लिया, और तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं। कोई बात नहीं सैम, रहने दो। सताक्षी क्या? ये तुम्हें नाम लेकर क्यों बुला रही है? ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिससे मैं आज भी प्यार करता हूँ, और जिसकी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की, और तुम उसके साथ बदतमीजी कर रही हो। अरे अगर इसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ तो तुम्हें तो सब कुछ पता था ना, और तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना बैड बिहेवियर कैसे कर सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और हाँ अब से ना अपने लिए दूसरे काम वाली देख लेना, क्योंकि ये अब मेरे साथ रहेगी, अब ये किसी के घर पे काम नहीं करेगी। तुम पागल हो गए हो क्या, इसे अपने घर रखने की बात कर रहे हो? इसकी तरफदारी मत करो, किसी काम की नहीं है ये। जो अपने घर वालों को खा गई वो तुम्हें कैसे खुश रखेगी? सोनाली तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं इसके साथ पूरे 2 साल रहा और मुझे अच्छे से पता है कि कैसी लड़की है कैसी नहीं। और हाँ थैंक यू सो मच इसको लेकर आने के लिए, अगर तुम नहीं लेकर आते तो मैं कभी इससे दोबारा मिल ही नहीं पाता। और अब तुम जा सकते।